हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़म चिकन। मेन इंग्रेडिएंट्स में है चिकन, कड़म, प्याज, टमाटर का प्यूरे, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, खड़े मसालों में बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दालचीनी, दो लौंग, तेज पत्ता। सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। सॉटे कर लेते हैं। कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज अब हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हल्दी डालेंगे, मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर का प्यूरे, इसमें मैंने चार टमाटर डाले हैं। कड़म को पील ऑफ कर कर काट लेते हैं और इसके पत्तों को भी निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कड़म, जो मैंने दो हिस्सों में काट ली है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कड़म के पत्ते। अब हम डालेंगे चिकन के पीसेस को। और इसे एक बार मिला लेते हैं। टेन मिनट्स तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। कड़म चिकन अब मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक गिलास पानी। बॉईल आने तक इसे अच्छे से पका लेते हैं। ढक्कन लगाकर अब इसे पका लेते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा पाउडर। गरम मसाला धनिया पाउडर हमारा कड़म चिकन जो है बनकर रेडी हो चुका है। गैस को ऑफ कर लेते हैं। अच्छी सी खुशबू आ रही है अब इसमें से। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कड़म चिकन बहुत हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। कड़म चिकन बनकर एकदम रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।